आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट भुजी, जो कि आपने ना ही कभी खाई होगी। वो भी हम उबले अंडे से बनाएंगे इसको। और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक बार ये भुजी बना करके घर पे ट्राई कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमने ये बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। और ये आधा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली हमने, और ये धनिया हरा कटा हुआ, और ये दो अंडे ले लिए हैं, और एक हमने ले लिया है उबला हुआ अंडा। तो हमारी गैस ऑन कर देते हैं और हम इस उबले हुए अंडे को पहले घिस लेंगे इस तरीके से। ये हमने अंडे को अच्छे तरीके से घिस लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं और हमारी भुजी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चम्मच हम ये तेल डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डाल देते हैं। ये देखिए तरीके से, तेल को गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा जीरा। ये देखिए गर्म हो चुका है तेल हमारा। और अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे हमारी बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे हमारे। ये आधी चम्मच हमने नमक ले लिया है, इस तरीके से डाल देंगे। और आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च। अब हम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम डाल देंगे इसमें हमारे ये कच्चे, अब हम डालेंगे हमारे ये कच्चे अंडे, इनको अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए अब हमारी ये भुज्जी थोड़ी थोड़ी सी तैयार हो चुकी है। इसको एक मिनट के लिए और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा उबला हुआ अंडा, जो कि हमने घिस के रख लिया था अच्छे तरीके से, और इसको कर देंगे मिक्स। और अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी भुजी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस बंद कर देते हैं। हमारी भुजी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, जिससे हमारी भुजी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें धनिया से गार्निश कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।